दोस्तों आज के वीडियो में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्मोग्राफी के बारे में जानेंगे। जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम अब्राहम जॉन जबकि इनकी माता का नाम फिरोजा ईरानी है। दोस्तों जॉन अब्राहम की शादी सन 2014 में प्रिया चंचल से हुई। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी तुरंत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन अब्राहम की सबसे पहली मूवी 2003 में आई जिस्म। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ बिपाशा बासु गुलशन ग्रोवर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने 8 करोड़ 14 लाख की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई इनकी साया। इस मूवी जॉन अब्राहम के साथ महिमा चौधरी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बदकिस्मती से फ्लॉप रही थी। दोस्तों 2004 में इनकी मूवी आई एतबार। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ बिपाशा बासु अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अगली मूवी इनकी आई पाप। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ उदिता गोस्वामी लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। दोस्तों इसी साल अगली मूवी आई लकीर। इस मूवी जॉन अब्राहम के साथ सुनील शेट्टी सनी देओल लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई इनकी धूम। इस मूवी जॉन अब्राहम के साथ उदित चोपड़ा ईशा देओल अभिषेक बच्चन लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी ने 31 करोड़ 60 लाख की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई इनकी मदहोशी। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ बिपाशा बासु लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों 2005 में इनकी मूवी आई ऐलान। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ लारा दत्ता लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कर्म। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बदकिस्मती से फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी इनकी काल। इस मूवी जॉन अब्राहम के साथ विवेक ओबराय अजय देवगन लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। दोस्तों इसी साल अगली मूवी इनकी आई विरुद्ध फैमिली कम फर्स्ट। इसमें जॉन अब्राहम साथ अमिताभ बच्चन शर्मिला टैगोर लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। दोस्तों जॉन अब्राहम की अगली मूवी आई गरम मसाला इसी साल। इसमें जॉन अब्राहम साथ अक्षय कुमार परेश रावल लीड रोल में देखने को मिले। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने 29 करोड़ की कमाई की। दोस्तों 2006 में इनकी मूवी आई जिंदा। इसमें जॉन अब्राहम संजय दत्त लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों इसी साल अगली मूवी इनकी आई टैक्सी नंबर 9211। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ नाना पाटेकर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। इस मूवी ने 19 करोड़ 58 लाख की कमाई की। 2006 में इनकी मूवी आई बाबुल। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ सलमान खान अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में इनकी आई काबुल एक्सप्रेस। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ अरशद वारसी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इनकी आई थी 2007 में सलामे इश्क। इस मूवी जॉन अब्राहम साथ प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। दोस्तों जॉन अब्राहम की अगली मूवी आई इसी साल में वाटर। इस मूवी जॉन अब्राहम लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी जॉन अब्राहम की आई थी इसी साल नो स्मोकिंग। इस मूवी में भी जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी जॉन अब्राहम की आई थी धनाधन दे धनाधन गोल। इस मूवी जॉन अब्राहम लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी जॉन अब्राहम की आई थी 2008 में दोस्ताना। इसमें जॉन अब्राहम साथ अभिषेक बच्चन प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस दोस्तों एवरेज करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी आई थी जॉन अब्राहम की 2009 में न्यूयॉर्क। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ कैटरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों कमाई की थी 45 करोड़ 39 लाख की। अगली मूवी ईसाई थी 2010 में झूठा ही सही। इस मूवी जॉन अब्राहम के साथ पाखी लीड रोल में देखने को मिले। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी 2011 में आई थी सात खून माफ। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ प्रियंका चोपड़ा इरफान खान लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी फोर्स। इस मूवी जॉन अब्राहम साथ जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बदकिस्मती से
फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी देसी बॉयज। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ अक्षय कुमार दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी 2012 में आई थी हाउसफुल 2। इसमें जॉन अब्राहम साथ अक्षय कुमार जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में देखने को मिले। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। इस मूवी ने 111.69 करोड़ की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी 2013 में आई थी रेस 2। इस मूवी जॉन अब्राहम साथ सैफ अली खान दीपिका पादुकोण लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। इस मूवी ने 93.48 करोड़ कमाई की। 2013 में मूवी आई थी आई मी और मैं। इसमें जॉन अब्राहम और चित्रगंधा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप रही थी। दोस्तों अगली मूवी इसी इनकी साल में आई थी शूट आउट एट वडाला। इसमें जॉन अब्राहम साथ अनिल कपूर कंगना रनौत लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों जॉन अब्राहम की अगली मूवी इसी साल में आई थी मद्रास कैफे। इसमें जॉन अब्राहम साथ नरगिस फाकरे लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। दोस्तों अगली मूवी 2015 में आई थी इनकी वेलकम बैक। इसमें जॉन अब्राहम साथ अनिल कपूर नाना पाटेकर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 2016 में आई थी रॉकी हैंडसम। इस मूवी में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। बात करें मूवी की तो दोस्तों मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी जॉन अब्राहम की आई थी इसी साल में फोर्स 2। इस मूवी में जॉन अब्राहम साथ सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर को उसको फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों अगली मूवी जॉन अब्राहम की आई थी 2018 में परमार द स्टोरी ऑफ पोखरण। इसमें जॉन अब्राहम साथ डायना पेंटी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस मूवी ने 64.81 करोड़ की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी सत्यमेव जयते। इसमें जॉन अब्राहम के साथ मनोज वाजपेयी लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इस मूवी ने दोस्तों 79.61 करोड़ की कमाई की। दोस्तों अगली मूवी 2019 में आई रोमियो अकबर वाल्टर। इसमें जॉन अब्राहम साथ जैकी श्रॉफ लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। दोस्तों जॉन अब्राहम की अगली मूवी इसी साल में आई थी बटला हाउस। इसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। बात करें मूवी की तो दोस्तों मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इस मूवी ने दोस्तों 88.20 करोड़ की कमाई की। दोस्तों 2019 में इनकी मूवी आई पागलपन थी। इसमें जॉन अब्राहम साथ एलियाना डिसूजा अरशद वारसी लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। दोस्तों 2021 में इनकी मूवी आई मुंबई सागा। इसमें जॉन अब्राहम साथ इमरान हाशमी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी एने साबित हुई। अगली मूवी 2021 में आई थी सत्यमेव जयते 2। इसमें जॉन अब्राहम साथ दिव्या खोसला और गौतमी कपूर लीड रोल में देखने को मिले। मूवी एने साबित हुई।